कार खान में तहरीके इस्तिकलाल के मरकजी सदर रहमत खान वर्दी पेट्रोलियम वस्तुआत की किल्लत के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से मुतालबा करता हूँ कि ओगरा चेयरमैन और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को फौरी तौर पर बरतरफ कर दें। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे पेट्रोल कंपनियों के डिपो सील कर दें जिन पेट्रोल कंपनियों के पास माल है और वो पेट्रोल पंपों को नहीं दे रहे हैं। इन कंपनियों के डिपो फौरी तौर पर सील कर दें, उनके लिए सस्ते में मुतर कर दें। ये कहाँ का माल है कि भाई अगर आप लोगों ने माल सस्ता लिया है तो आप मौजूदा जो रेट बढ़ा है उसके साथ दें। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि दो तीन दिन में और 30-35 रुपये बढ़ेगा तो हम देंगे, तो फिर तो आप जो वाकई उस मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जिस तरह पेट्रोल पंप वालों को माल मिल जाता है जिस रेट में तो उसी रेट में बेचता है, तो आपको भी ये जिम्मेदारी है कि जब आपका माल आया और जो रेट बढ़ा और आपका माल आपके पास है तो आप उस रेट पर माल दें। आप लोगों ने डिपो में माल रख दिए और लोगों को परेशानी में डाल दिया, लोगों के कैश पड़े हैं डिपो में लेकिन तो आप लोग माल नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मेरा वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से ये मुतालबा है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम को और ओगरा के चेयरमैन को फौरी तौर पर बरतरफ कर दें। इनकी नाअहली की वजह से ये मसला बना हुआ है।